हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर फर्स्ट है क्लास सेवन साइंस का। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार से है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, मतलब क्यों आवश्यकता होती है ऑर्गेनिज्म को फूड की। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, और जीव प्लांट को भी हम जीव कहते हैं और एनिमल्स को हम जीव कहते हैं, ठीक है ना। क्यों जीव कहते हैं, क्यों उनसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव जिसे कहते हैं। तो सजीवों को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, भोजन की आवश्यकता सभी जीवों को बराबर है, ठीक है। फूड गिव्स एनर्जी टू ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, तो भोजन से हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज करती है जो इस प्रकार से, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक अ फूड, मतलब भोजन की आवश्यकता क्यों होती है जीवों के लिए। तो फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा इसमें, मूव हियर एंड दियर, मतलब जैसे प्लांट्स तो खैर अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो तुम बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। जैसे वाटर में रहे, बहुत सारे वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, वहाँ वो मूवमेंट करते हैं, वहाँ पे मूव हियर एंड दियर, जैसे ह्यूमन, कैट डॉग, ये सब क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं ना, इधर से उधर चलते हैं। या जैसे मनुष्य है, तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, तो मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये मूव करते हैं हियर एंड दियर, यहाँ से वहाँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, भोजन से हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे और बॉडी लाइक ब्लड, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी तभी संभव है जब हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। टू हील द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, हील का मतलब होता है भरना, डैमेज मतलब टूटे फूटे जो पार्ट होते हैं बॉडी के, उनको भरने का काम भी करता है भोजन, ठीक है। जब भोजन खाएंगे वो शरीर में उसके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ठीक है, फिर वो क्या होगा, हमारा जो बॉडी होगी वो हील हो जाएगी। मतलब जैसे कभी कहीं पर कट फट जाता है ना तुम्हारा, तो तुम देखते होंगे उसके बाद तुरंत कुछ समय बाद सही हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे सही होते हैं, चाहे तुम मेडिसिन ले रहे हो, चाहे तुम मेडिसिन भी ले रहे हो, तो उसके साथ खाना भी तो खाओगे, तो उसी से हमारी क्या होती है, बॉडी भी जल्दी से क्या हो जाती है, हील हो जाती है। फॉर रिप्रोडक्शन, यानी जनन के लिए भी, रिप्रोडक्शन समझते ना, जनन यानी अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होती है, यानी जनन के लिए भी भोजन की आवश्यकता है, जब भोजन खाएंगे तभी जाके हम रिप्रोडक्शन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। अब हमें यहाँ पे पैरासाइट यानी परजीवी और सेप्रोट्रोप, परजीवी और सेप्रोट्रोप बोलते हैं मृतोप जीवी को, इसको क्या बोलते हैं, परजीवी, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, परजीवी, परजीवी समझते हो ना, सेप्रोट्रोप बोलते हैं मृतोप जीवी, मृतोप, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हमें अंतर बताना है पैरासाइट में और सेप्रोट्रोप में। पैरासाइट मीन्स परजीवी, 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 समझ रहे हो, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव पे जो निर्भर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। मृतो मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव जो मरे हुए जीवों पे क्या हो, भोजन के लिए निर्भर हो, उसे मृतोप जीवी कहते हैं। आपने अगर पढ़ा मूड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, तो उसमें दो प्रकार के मूड्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी, और हेटरोट्रॉप्स मीन्स परपोषी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपना फूड, हमने कहा भी था कि ऑटोट्रॉप मीन्स फूड में इन विच ऑर्गेनिज मेक देयर फूड ऑन, यानी जो जो जीव क्या करें, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। और जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो उसी के ये उदाहरण है परपोषी का, तो एक होता है परजीवी, एक होता है मृतोपजीवी। तो हमें इसमें अंतर बताना है, क्या क्या अंतर इसमें होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पैरासाइट का है, उस पैरासाइट कहते हैं, कहेंगे किसे हम, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स नॉन एज अ पैरासाइट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट की बॉडी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब दूसरे के शरीर में रहकर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स ऑन, और उसी से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब दूसरे जीव के शरीर पे रह के अपना भोजन क्या करना,
प्राप्त करने जो जीव करेंगे उन्हें हम परजीवी कहेंगे। तुमने वो देखा होगा, एक पेड़ देखा होगा किसका, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कसकुटा। क्या बोलते हैं? कसकुटा बोलते हैं। तो कसकुटा का जो प्लांट, जिसे तुम नॉर्मल लैंग्वेज आकाश लगली भी कहते हो घर में, देखा है, जो पेड़ पे जैसे बीमल या पीपल या ऐसे कुछ पेड़ों पे येलो कलर की रिंग का टाइम में रहते हैं, मतलब पीली तरह की धागे की नुमा संरचना के रूप में टंगे होते हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे बारीक बारीक से होंगे ऐसे ऐसे इस प्रकार से संरचना में वो कैसे होंगे, प्लांट्स पे घिरे हुए रहते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, पैरासाइट का। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है इसमें देखिए, सेप्रोट्रोप का क्या हो जाएगा, द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोप। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मृतोप जीव मतलब मृतोप मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, तो ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों पे क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। इसके एग्जाम्पल जैसे सम बैक्टीरियाज, फंजाई, तुमने देखा जो मशरूम होता है, मशरूम मशरूम जो तो जानते हो किसे बोलते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज च्यों कहते हो, च्यों, तो मशरूम जो होते हैं हमारे, मशरूम क्या है, मशरूम भी क्या है, एक मृतोपजीवी है। मर तुमने देखो, या तो गोबर में ग्रोथ करता है या सड़े गले स्थानों में भी वो क्या करेगा, ग्रोथ करता है, जो आपको क्या होता है, ये मशरूम जो होता है, ठीक है ना, तो वो भी किसका उदाहरण है आपका, परजीवी, किसका पर, सॉरी वो मृतोपजीवी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मृतोपजीवी का। देन क्या अंतर है इसमें, दे टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट, यानी ये कैसा खाना खाते हैं, रेडीमेड, रेडीमेड समझो, जैसे कपड़े लेते हो तुम दुकान पे जाते हो, भाई रेडीमेड जींस दिखा दे, तो लाए उसे तो पहने, कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना, उसे बना सिलवाने के लिए दे रहे, कुछ नहीं, बोलते ना रेडीमेड कपड़े, तो इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, जो बन बनाया हुआ खाना ये दूसरे जीव पे रह रहा और वहीं पे खा रहा, उसी से खा रहा, तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं रेडीमेड फूड। तो दे टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट, जिसपे वो रहता है, होस्ट मतलब जिसपे वो रहता है, उसी से भोजन क्या करता है अपना बनाता है उसी से। नेक्स्ट आपका, दे टेक द डाइजेस्टेड एंड डिकिंग फूड, ये जो सेप्रोट्रोप है, ये तो कौन है, ये पैरासाइट है, और सेप्रोट्रोप्स क्या करते हैं, ये सेप्रोट्रोप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दे टेक द डाइजेस्ट एंड डिकिंग फूड, ये क्या करते हैं, कैसे भोजन का पाचन करते हैं, जो कैसा फूड होता है, मरा हुआ होता है, डेड डेड डिकेंड फूड मतलब डेड वो होता है, जो मृत जो भोजन होता है या मृत जो जीव होंगे उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन का मूड होता है उसे सेप्रोट्रोफिक मूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पैरासाइट का ही, दे डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या करते हैं, सीधे ऑर्गेनिज्म के से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, पोषण डायरेक्ट लेते हैं, जबकि ये क्या करेंगे, दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि ये क्या करेंगे, जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म होगा उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। लास्ट इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे पैरासाइट के, पैरासाइट का पहला एग्जाम्पल है कस्कुटा और ऑर्किड, ऑर्किड हम इसे कहते हैं, ठीक है, कस्कुटा एंड ऑर्किड, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, जितने कुछ फंजाई यानी कवक, ठीक है, कुछ कवक हो गए यानी फंजाई हो गए, एंड सम बैक्टीरिया यानी कुछ जीवाणु हो गए, जो क्या क्या करते हैं, इस प्रकार के सेप्रोट्रोपिक मूड से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, तो हमने ये अंतर था पैरासाइट में और सेप्रोट्रोप में, सीधे सीधे अगर समझिए इसे तो पैरासाइट किसे कहेंगे, सीधे सीधे हमने इसे क्या समझा कि भाई पैरासाइट वो है जो परजीवी यानी दूसरे जीव पे जो अपने भोजन के लिए निर्भर है, दूसरे जीव पे मतलब उसी जीव पे रहकर उसी जीव के शरीर पे रहता है और उसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे हम अपने शरीर में बोले तो हमारे शरीर में परजीवी कौन है, जैसे जू खटम जू होता है ना, जू तो हमारे सिर में रहता है और हमारे हमारे सिर से क्या कर रहा, तुम्हारा खून चूसता है या हमारा खून चूसता है, ठीक है। जबकि मृतोपजीवी क्या होंगे, जो मरे हुए जीवों पर निर्भर होंगे, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, जैसे आपने आस पास क्या देखा होगा, फंजाई जो तुमने देखी, ठीक है, ये जो फंजाई मैंने बताया, फंजाई यानी कवक जो होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसे भी देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार से हमारा, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब तुम्हें पता है कि जो फूड स्टोरेज होता है लीफ में, जो फूड स्टोर होता है या जो भोजन
लीव में क्या होता है, जब भोजन बनता है तो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के, ठीक है, सॉरी स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है तो कैसे रहता है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है? तो देखिए उसके लिए सिंपल सा है, स्टेप टू, सॉरी हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। हाँ तुम्हें स्टार्च स्टार्च में लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस बताना, उपस्थिति बताने कि स्टार्च लीव्स में है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम क्या एक प्रैक्टिकल करेंगे सिंपल सा, खैर प्रैक्टिकल अभी तो संभव नहीं हो सकता लेकिन तुम इसे घर पे कर सकते हो सिंपल, कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है इसमें। देखिए क्या करोगे, स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव कैसे करोगे, देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ए फ्रेश लीफ इज टेकन, एक फ्रेश लीफ मतलब एक पत्ती निकालोगे, एक मतलब फ्रेश मतलब सड़ी गली ना हो, फ्रेश हो, ठीक है, हरी हरी कलर की, एक ग्रीन कलर की जो आपकी लीफ होती है उसे निकालनी है। देन क्या करना आपको, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स सो किल द सेल्स इन द लीफ। तो उस लीफ को क्या करना हमने, जो बॉइल्ड वाटर हो तुम्हारा, बॉइल्ड वाटर में क्या करना है, उसे कुछ समय के लिए रखना है कि जब तक उसके जो उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो क्या ना हो जाए, मर ना जाए, मतलब डेड ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, नाउ डिप दिस लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है यानी आयोडीन का जो घोल होता है, अब हम उसे उसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे यानी डुबाएंगे। नेक्स्ट स्टेप फोर में क्या करेंगे हम, द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर। देखो अब स्टेप फोर में क्या हो गया, उस लीफ का क्या कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कैसे दिखेगी वो, ब्लू ब्लैक कलर। कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि किस कलर की दिखती है आयोडीन के सॉल्यूशन में, स्टार्च वाली लीफ, अगर लीफ को हम आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसे दिखेगी, वो दिखती है ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक। When iodine is added to it, which shows in is the presence of starch in it. मतलब कब देखिएगी, अगर उसमें क्या होगी, स्टार्च होगा तो किस कलर में वो चेंज हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। तो ये आयोडीन डाल के हमें क्या शो हो रहा है इसमें कि हाँ जो लीफ होती है उसमें क्या किसकी मात्रा होती है, उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। और स्टार्च क्या है, स्टार्च जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कह रहा है, देखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब हमें इसमें क्या प्रोसेस बतानी है कि ग्रीन प्लांट्स में जो भोजन बनता है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए इसे पहले सिंपली इस प्रकार समझिए कि माना ये क्या है, ये सूरज है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सन, सन में क्या होगा भोजन बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन होती है किस प्रकार से होती है, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप इस प्रकार से कहते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस, सॉरी एक मिनट है, देखो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना है, सिर्फ समझो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हमें वहाँ पे प्रोसेस बताने की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसी है। देखिए ये सूरज है, ठीक है, अब ये माना हमारा कोई प्लांट है, ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है और ये इसके माना ऊपर वाला पार्ट्स है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें क्या था, रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती है, H2O यानी वाटर, ठीक है। यहाँ से सनरेज से क्या लिया इसने, ये लीफ, माने ये इसकी लीफ है। तो यहाँ से क्या किया इसने, सनरेज के द्वारा क्या हुई, सनरेज से क्या लिया इसने, CO2, ठीक। अब प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो अपना भोजन बनाएगा। कोई प्लांट्स भोजन कैसे बनाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस अभी समझाऊंगा तुम्हें किस प्रकार से होगा। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करेगा, ये CO2 एंड H2O की उपस्थिति में या उसके प्रेजेंस में क्या करेगा, अपना फूड बनाता है, ठीक। अब लीफ में से CO2 है और बदले में क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज O2। अब ये O2 कहाँ से मिलते हैं, ये भी कभी कभी ये बड़ी क्लासों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है कहाँ से होती है। तो ऑक्सीजन सबको पता है प्लांट से होती है, लेकिन कैसे होती है, ये इस प्रकार से जब ये H2 एब्जॉर्ब करता है तो इसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, ठीक है। जब ये विखंडन विखंडित होकर क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो समझ के, CO2 को लिया, O2 को रिलीज किया, टेक CO2 एंड रिलीज O2, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए इसको समझते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कहाँ गया, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन,
गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया इस प्रकार से भोजन बनता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम अगर इसे देखें तो देखो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस सिंथेसाइज ऑफ फूड इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। पता है ना क्लोरोफिल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट्स होता है प्लांट्स में, उस पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं वर्णक। तो वो क्या है, क्लोरोफिल। यानी हम कहते हैं ना पत्तियाँ ग्रीन कैसे दिखती है, क्यों लीफ ग्रीन दिखती है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दिखती है, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो लीफ ग्रीन कलर की नहीं होगी, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी जो बताया मैंने तुम्हें कि कैसे बनाते हैं भोजन, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, यानी एक प्रक्रिया भोजन बनाने की पौधों में, जो किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है। ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की भी जो अभी मैंने तुम्हें बताया था हल्का सा इसमें, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें, अब फिर दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं सॉइल में, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। कौन, रूट्स क्या करते हैं उसे, सॉइल को, सॉरी रूट्स सॉइल से क्या ऑब्जर्व करती है, मिनरल्स वगैरह, वाटर एंड मिनरल्स। एंड ट्रांसपोर्ट द लीव्स बाय द वेसल्स, और कहाँ पहुँचाते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। तो हमारी जो लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स में एक छोटे छोटे से छेद आपने देखे होंगे, जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे से, इस प्रकार से अगर लीव में बनाऊँ तो इसमें आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे से छिद्र दिखेंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इन छिद्रों को, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, तो ईयर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, और टेकन थ्रो किसके थ्रो लेती है, स्टोमेटा के थ्रो, यानी रंध्रों द्वारा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, कौन, लीफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें, लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो लीफ को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं प्लांट के। कई बार आपको सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूड फैक्ट्रीज किसे कहते हैं प्लांट के, तो लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो क्या करती है, सनलाइट से क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, कैप्चर करती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ किसके, क्लोरोफिल के। अभी मैंने बताया क्लोरोफिल का काम क्या होता है, एक तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखती है, दूसरा काम क्या है, जब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से एब्जॉर्ब, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना हो तो वो कौन काम कौन करेगी, क्लोरोफिल, यानी पौधे का जो भी हरा भाग होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी को वो यूज करता है, यानी सनलाइट से जो एनर्जी ले रहा है, उस एनर्जी का यूज कहाँ पे कर रहा है, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया में करता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। समझ गए इस बात को, एक बार थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बड़ा मैं इस प्रकार से समझा देता हूँ तुम्हें। देखिए मैंने क्या कहा, ये प्लांट है, अब हमें क्या प्रोसेस को बताना है कि जो पौधे होते हैं उनमें भोजन बनाने की क्या प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है। मैंने कहा ये लीफ है, ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या हुई, सनलाइट से एनर्जी मिली, यानी सनलाइट का काम क्या, एनर्जी का, हम कहते भी कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो सनलाइट है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने एनर्जी ली, और ईयर में जो क्या थी एनर्जी जो यूज़ करते हैं, वो जो ईयर में जो CO2 है उसे एब्जॉर्ब करने में करता है, ठीक। और इसकी जो रूट्स होती है H2O प्लस मिनरल्स का यूज़ कर रही है, ठीक है ना। सोइल्स क्या, रूट्स क्या एब्जॉर्ब करेगी, H2O यानी जल प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। और ईयर से क्या ले गई, स्टोमेटा की हेल्प से, लीव जो होगी लीव में स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा क्या करती है, CO2 को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। तो इस प्रकार से अपना फूड अपना वो प्रिपेयर करते हैं, और बदले में क्या रिलीज करते हैं, CO2, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास समझ में आए कुछ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लास्ट है, हाँ ये भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ नए क्वेश्चन होंगे, कुछ वही रिपीट होंगे जब तक हमने पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड, सबको पता है ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स? बिकॉज दे आर सिंथेसाइज, सॉरी क्यों कहते हैं इसे ऑटोट्रॉप? बिकॉज दे आर सिंथेसाइज ऑन फूड, ठीक है, मतलब अपने आप भोजन ये क्या करती है, अपने आप बनाती है, ठीक है। इसको हम ऑटोट्रॉप्स की इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बताया था शायद हमने पहले भी, चलो कोई बात नहीं, इसे समझ लो कि ऑटोट्रॉप से करके भी डेफिनेशन लिखते हो, क्या लिखोगे? इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। अगर लिखना है तो लिख भी देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा इसका, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या कर रहे हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मैंने अभी पहले ही बताया कि ऑटोट्रॉप वो कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाई द प्लांट्स इज स्टोर्स, अभी बताया था ना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स अपना भोजन, जो हमने प्रैक्टिकली जो एक प्रैक्टिकली भी करने के लिए कहा था मैंने तुम्हें आयोडीन सॉल्यूशन में, तो उससे क्या स्टार्च, उसका क्या हो जाएगा स्टार्च, यानी जो फूड ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है पौधों में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस फॉर्म में रखते हैं पौधे अपने पास, वो रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में। जैसे हम अपने अपने पास फूड स्टोर करते हैं ना उसमें फैट के रूप में, ऐसे ही भी क्या करेंगे स्टार्च के रूप में। खैर हमारे पास तो और भी कई सारे होते हैं एनिमल्स में, चलिए नेक्स्ट है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट्स कॉल्ड, अभी बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो पिगमेंट्स, उसका नाम क्या, उस पिगमेंट का बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हरी पत्तियाँ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम भी करती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे खाली जगह थी तो क्या करते हैं, टेक यानी लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, क्लियर। सेम ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या होता है कि टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। खैर यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, अब इसमें तो ऑप्शन और भी होते हैं पर खैर ये करो। ए पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड टबलर स्टेम, ऐसे पैरासाइट प्लांट का नाम बताना है जो कैसे कलर का होता है, येलो यानी पीले कलर का, और सिलेंडर सिलेंडर यानी जो गोल घुमा हुआ रहते हैं, ठीक है, घुंघराले बाल जैसे, ठीक है, टूबलर एकदम से चिपके हुए जो होंगे, टूबलर स्टेम स्टेम के साथ जो चिपके हुए होंगे, तो वो कौन, वो जीव का उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कसकुटा, ये बताया ना अमरबेल, ये पैरासाइट प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है, यानी जैसे हम अमरबेल ही बोलते हैं घर में, आकाश लगली भी बोलते हैं इसे, और वैसे इसका मुख्य नाम क्या है जो साइंस में हम इसे बोलते हैं कसकुटा, क्या बोलते इसे, कसकुटा, तो एक पैरासाइट जीव है। नेक्स्ट है, अ प्लांट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा आप हमें ऐसा एक न्यूट्रिशन एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और दूसरे पे भी डिपेंड होता है, तो ऐसा जो प्लांट है वो है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट यानी जिसको हम घटपर्णी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, घटपर्णी, घटपर्णी। अब इसका जो आकार होता है एक घड़े के समान इसकी पत्ती के आकार होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जब इसे ऑटोट्रॉपिक मूड से इसे भोजन नहीं मिलता है, नहीं ऑटोट्रॉपिक मूड तो मिलता है लेकिन इसे जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स की जो ग्रोथ के लिए इसे आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या करते हैं, कीटों को क्या करता है, कीटों को पकड़ता है, यानी हम इसे इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं, यानी जो कीड़ों को खाने वाली प्लांट भी कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो जो रात को या जो दिन के समय में जो कीड़े इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, तो उनको कैप्चर कर देता है, ठीक है। तो यह है पीचर प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों मूड से जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं।
नेक्स्ट आपका द पोरस थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब ऐसी ऐसे छिद्र जिनसे पौधे क्या करते हैं, गैसों को एक्सचेंज करते हैं, यानी ओ टू ग्रहण करते हैं और सी ओ टू को छोड़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर जा रहा। ठीक है, तो क्या बताना हमने यहाँ पे कि द पोरस थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो कौन से होते पोरस, होते स्टोमेटा। क्या होते हमारे, जैसे स्टोमेटा। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द, थोड़ा सा बफर हो रहा, कोई बात नहीं। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें हमने क्या बताना है, अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, क्या बताया था अभी, कैसे जीव का, ऑटोट्रॉप है या पैरासाइट है या सेप्टोट्रोप या होस्ट है। तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका। लेकिन यहाँ पे हमारे एक चीज मिस हो गई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा, खैर अभी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पर हमने ये बताने कि प्लांट क्या होते हैं, अल्टीमेट सोर्स होते हैं उसके फूड के, तो वो दिखाना है। तो अभी तो क्लियर चल नहीं रही वीडियोस, तो जब चलेगी सही तो तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।